नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 19 सितंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की पहली लिस्ट अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयपुर दौरे के बाद ही जारी होगी। पहले क्यास लगाए जा रहे थे कि परिवर्तन यात्रा के बीच में ही पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी, लेकिन अब बीजेपी के विश्वस्त सूत्रों ने यह साफ कर दिया है कि पीएम मोदी की 25 सितंबर को जयपुर की सभा के बाद कभी भी पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी। पहली लिस्ट में बीजेपी ए और डी कैटेगरी की सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। बीजेपी पहली लिस्ट में प्रदेश में अपनी सबसे मजबूत और सबसे कमजोर सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। ए कैटेगरी में बीजेपी की वो 29 सीटें शामिल हैं जहाँ पिछले 3 चुनावों से बीजेपी कभी नहीं हारी। वही डी कैटेगरी में बीजेपी की वो 19 सीटें शामिल हैं जहाँ पिछले 3 चुनावों से बीजेपी कभी नहीं जीती। ऐसे में मानकर चला जा रहा है कि बीजेपी ए और डी कैटेगरी की 48 सीटों पर सबसे पहले प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। आज मंगलवार को चतुर्माह योग के साथ गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। पुराणों के मुताबिक गणेश जी का जन्म भादों की चतुर्दशी के दिन दूसरे पहर में हुआ था। उस दिन स्वाति नक्षत्र और अभिजीत मुहूर्त था। ऐसे ही संयोग आज 19 सितंबर को बन रहा है। इन्हें तिथि, वार और नक्षत्र के संयोग से मध्यान्ह यानी दोपहर में जब सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है तब देवी पार्वती ने गणपति की मूर्ति बनाई और उसमें शिव जी ने प्राण डाले थे। इस बार गणेश स्थापना पर आज संयोग बन रहा है। विद्वानों का कहना है कि इस योग में गणपति के विघ्नेश्वर रूप की पूजा करने से इच्छित फल मिलता है। गणेश स्थापना पर शश, गज, केसरी, अमला और प्राकर्म नाम के राजयोग मिलकर चतुर्माह योग बना रहे हैं। इस दिन स्थापना के साथ ही पूजा के लिए दिन भर में सिर्फ 2 मुहूर्त रहेंगे। राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय का आने वाले सालों में नया एड्रेस संसार चंद्र रोड चांदपोल की जगह मानसरोवर जयपुर होने जा रहा है। इसके लिए सरकार ने 6000 वर्ग मीटर जमीन मानसरोवर के द्रव्यवती रिवर फ्रंट के पास नई सिटी पार्क के सामने प्रदेश कांग्रेस की नई बिल्डिंग के लिए अलॉट भी कर दी है। लेकिन क्योंकि प्रदेश कांग्रेस यह चाहती है कि राजस्थान का नया मुख्यालय बने, साथ ही इसका शिलान्यास राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के हाथों हो, यही कारण है कि जमीन अलॉट होने के कई दिनों बाद भी अब तक काम शुरू नहीं हुआ है। आगामी 23 सितंबर को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे राजधानी जयपुर में बनने वाले नए कांग्रेस मुख्यालय का शिलान्यास करेंगे। बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वैकेंसी निकाली है। इसके तहत 450 पदों पर असिस्टेंट की भर्ती की जाएगी। इसमें शामिल होने के लिए उम्मीदवार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट rbi.org.in पर जाकर 4 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उम्मीदवारों का चयन रिटर्न टेस्ट के साथ इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। आरबीआई द्वारा कुल 450 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। उम्मीदवारों का सिलेक्शन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और भाषा दक्षता परीक्षा के माध्यम से होगा। आरबीआई असिस्टेंट भर्ती के लिए ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा 21 से 23 अक्टूबर को होना है। मुख्य परीक्षा 2 दिसंबर को होने की संभावना है। भरतपुर जिले के नासिर जुनैद हत्याकांड मामले में गिरफ्तार किए गए मोनू मानेसर के तार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ते नजर आ रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई से मोनू मानेसर के संपर्क होने की बात के बाद अब दोनों का एक वीडियो कॉलिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। बिना आवाज के इस वीडियो में लॉरेंस बिश्नोई और मोनू मानेसर दोनों नजर आ रहे हैं। इस वीडियो की फाइटर पुष्टि नहीं करता है। वीडियो में लॉरेंस के साथ मास्क लगाए एक और व्यक्ति नजर आ रहा है जिसे हरियाणा का गैंगस्टर राजू बसौदी बताया जा रहा है, जो फिलहाल पंजाब की जेल में बंद है। डीएसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि मोनू मानेसर के मोबाइल को हरियाणा पुलिस ने जब्त किया है। मोबाइल से जो भी तथ्य मिले हैं वो हरियाणा पुलिस को मिले हैं। इस संबंध में हरियाणा पुलिस जल्द ही मोनू मानेसर से पूछताछ करने के लिए भरतपुर आ सकती है। पंजाब के फतेहपुर देहाती विधानसभा हलके की पूर्व विधायिका सतिकार कौर गहरी को आमदनी से ज्यादा जायदाद बनाने के मामले में विजिलेंस विभाग द्वारा चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है और उनके पति जसमेल सिंह लाडी गहरी को फिरोजपुर विजिलेंस ने
विभाग फिरोजपुर से गिरफ्तार किया है। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ समय से सतिकार कौर और उनके पति के खिलाफ फिरोजपुर विजिलेंस के पास आमदनी से ज्यादा जायदाद बनाने के मामले में शिकायत चल रही थी, जिसमें विजिलेंस विभाग द्वारा उनको कई बार पूछताछ करने के लिए विजिलेंस कार्यालय फिरोजपुर में बुलाया गया था और आज अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती को लेकर विवाद शुरू हो गया है। प्रदेश भर में आयुर्वेद चिकित्सा विभाग द्वारा 787 पदों पर चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती निकाली गई थी, जिसमें मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया जाना था, लेकिन जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन नहीं होने पर अन्य कैटेगरी के उम्मीदवारों ने विरोध शुरू कर दिया है। चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों का कहना है कि सरकार द्वारा कुल 787 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। इनमें अनरिजर्व कैटेगरी के कुल पदों में 314 नंबर तक सामान्य महिलाओं का सिलेक्शन किया है, लेकिन इससे ज्यादा नंबर लाने वाली ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की महिला उम्मीदवारों को अनरिजर्व कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया, जो पूरी तरह गलत है। इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आयुर्वेद विभाग ने रिजल्ट को फिर से रिवाइज नहीं किया तो सरकार के खिलाफ उम्मीदवार और उनके परिवार मिलकर बड़ा विरोध करेंगे। जयपुर में घर में घुसकर एक युवती से रेप का मामला सामने आया है। पड़ोसी ने युवती को घर में अकेला देखा तो जबरन अंदर घुस गया और उसके साथ जबरदस्ती की, विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देकर अश्लील वीडियो बना लिया। छोटवाड़ा निवासी 19 साल की युवती ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि पड़ोसी युवक पिछले 2 महीने से दोस्ती करने के लिए उसको परेशान कर रहा था। 10 दिन पहले वह घर पर अकेली थी। इसी दौरान आरोपी जबरन घर में घुस आया, जान से मारने की धमकी देकर रेप किया और न्यूड वीडियो बना लिए। जाते समय धमकाया कि किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। हरियाणा के गुरुग्राम में एक अवैध कैसीनो का भंडाफोड़ कर कुल 43 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 2 लाख रुपए से अधिक की नकदी जब्त की है। पुलिस ने कहा कि उसे गुप्त सूचना मिली थी कि सकतपुर गांव रोड के पास अरण्या ग्रीन फार्म हाउस में एक कैसीनो चल रहा है। गुरुग्राम पुलिस PRO सुभाष बोकेन ने कहा, मौके पर छापा मारने पर हमें फार्म हाउस में अवैध जुआ चलता मिला। पुलिस के मुताबिक मौके से 3 मालिकों कृष्ण कुमार, सुरेंद्र और मनीष समेत 43 लोगों को गिरफ्तार किया गया। PRO सुभाष बुकेन ने कहा, महंगी शराब की 30 बोतलें, 33 बियर की बोतलें, 1 पैसे गिनने की मशीन, कैसीनो टेबल, 2511 टोकन और ताश के 12 पैकेट जब्त किए गए हैं। सीकर जिले में खुद को फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी बताकर कस्टमर के साथ हजारों की ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने बाइक की किश्त जमा करने के नाम पर कस्टमर से रुपए ऐंठ लिए। मामला रामगढ़ सेठान थाना क्षेत्र का है। 39 वर्षीय श्यामलाल निवासी रामगढ़ सेठान ने बताया कि वह अपनी बाइक पर अपने साथी भंवरलाल के साथ रामगढ़ से ठिमोली जा रहा था। इस दौरान ढाणी सिंगड़ा के पास पीछे से 2 बाइक पर सवार होकर 4 लोग आए और उन्हें रोक लिया, जिसके बाद श्यामलाल की बाइक की चाबी निकाल ली और कहने लगे कि हम फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी हैं, इंस्टॉलमेंट के 17,000 रुपए जमा करवाएं, नहीं तो बाइक ले जाएंगे। श्यामलाल ने चारों आरोपियों को फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी समझकर 8,500 कैश व 8,500 फोन पे के माध्यम से ऑनलाइन सेंड कर दिए, जिसके बाद आरोपी वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद TVS फाइनेंस कंपनी में पता किया तो 17,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट जमा नहीं हुई थी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अलवर जिले के भीकम सैयद मोहल्ला व अम्बेडकर नगर में 2 सोने मकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर और हजारों रुपए की नकदी सहित अन्य सामान चोरी हो गया। कोतवाली थाना अधिकारी नरेश शर्मा ने बताया कि त्रिभुवन चंद निवासी मनुपुर थाना रामगढ़ ने मकान के ताले तोड़कर करीब 1 किलो चांदी के जेवर, सोने की 1 जोड़ी बाली, सोने की 1 जोड़ी कान के झुमके, सोने की 3 चेन, पार्लर की मशीन, आर्टिफिशियल ज्वेलरी सहित बच्चों की गुल्लक में रखे करीब 5,000 रुपए पार कर ले गए। अंबेडकर नगर आई ब्लॉक में नितिन तिवारी के सोने मकान से चोर सोने की 1 चेन, सोने के टॉप्स, 2 सोने की अंगूठी, 1 जोड़ी चांदी की पायजेब व नकदी पार कर ले गए। थानाधिकारी गुरदत्त सैनी ने बताया कि चोरों की तलाश की जा रही है।